हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पावर शेल का यूज़ करना सीखेंगे कि पावर शेल को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देखेंगे कि पैकेज प्रोवाइडर क्या होता है, पैकेज सोर्स क्या होता है, किसी पैकेज को कैसे फाइंड किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है, ऐसी बहुत सारी कमांड्स जो है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर शेल। आपके सामने पावर शेल आ जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर आप विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप टर्मिनल का यूज़ कीजिए। ठीक है, ये सब ट्रिक उनके लिए जो विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8.1 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सभी विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप सभी को जानना है कि विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ टर्मिनल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने पावर शेल जो है ओपन हो चुका है। तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं। अब यहां पे फ्रेंड्स, बहुत सारी बार जो है यूज़र्स जो है कॉमन से क्वेश्चन पूछते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कोई कंपेरिजन वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ, दोनों ही टूल अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं थोड़े से एडवांस की बात करूं तो वो है पावर शेल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैंने पहले भी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप सभी कमांड प्रॉम्प्ट को सीखना चाहते हैं तो आप सभी मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पावर शेल को देखते हैं कि पावर शेल को कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम कमांड्स का यूज़ करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी कमांड है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स कमांड आपको डालनी है गेट, आपको यहाँ लिखना होगा पैकेज और यहाँ पे लिखना है प्रोवाइडर। ठीक है, गेट पैकेज प्रोवाइडर। ये कमांड क्या करती है फ्रेंड्स कि आपके सिस्टम के जो भी पैकेज प्रोवाइडर हैं उनकी नेम्स, वर्जन्स और ये जो डायनेमिक ऑप्शंस हैं इनको शो कर देता है। जैसे कि यहाँ पे नेम शो हो रहा है चॉकोलेटी, MSI, MSU, नूगट, पावर शेल गेट एंड प्रोग्राम्स। अभी क्या है फ्रेंड्स, ये आप सभी को थोड़ा सा समझ में शायद ना आए, लेकिन आप ट्यूटोरियल देखते रहिए, आप सभी जान जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें देखना है पैकेज सोर्स कौन कौन से इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा गेट, लिखना होगा पैकेज और लिखना होगा सोर्स। जैसे ही आप लिखेंगे गेट पैकेज सोर्स तो आपके सामने पैकेज सोर्सेज के जो हैं नेम आ जाएंगे प्रोवाइडर नेम के, जैसे कि यहाँ आ रहे हैं चॉकोलेटी और पावर शेल गेट। ये प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है या नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसका लोकेशन दिखा रहा है, इनकी वेबसाइट दिखा रहा है। आप चाहे तो इनकी वेबसाइट पे भी पर्सनली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नेम शो कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है अच्छे से जान लीजिए। ये जो गेट पैकेज प्रोवाइडर है ये वो लोग हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जो आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं। पैकेज आप ये समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा गेट पैकेज सोर्स तो इसने जो है जो भी पैकेज सोर्सेस मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो शो कर दिया। आपके केस में ये चॉकलेटी जो है शो नहीं करेगा, ये सिर्फ PS गैलरी शो करेगा अगर आप फर्स्ट टाइम इसको चेक कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप चॉकलेटी को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड पे। अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, आपके पास पैकेजेस बहुत सारे होते हैं ऑनलाइन, तो उसको कैसे ढूंढा जाता है, कैसे उस पर काम किया जाता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पैकेज को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिख गया कि हमारे पास कौन कौन से पैकेज प्रोवाइडर हैं, एक तो चॉकलेट ही था और दूसरा पावर शेल गेट था। अब हमें इसके अंदर जो है कोई भी एक पैकेज को फाइंड करना है। जैसे कि अब मेरे को तो पता नहीं कि पैकेज के नेम कौन कौन से हैं, यानी ये जो प्रोवाइडर्स हैं पैकेज प्रोवाइडर, मेरे को नहीं कोई आइडिया है कि इसके अंदर कौन कौन से पैकेज हैं। तब ऐसे केस में अगर मुझे देखने कि पैकेज कौन कौन से हैं, जैसे हम लिनक्स में चेक करते हैं APT लिस्ट, उसी टाइप का जो है यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड पैकेज। अब आपको क्या करना है, पैकेज प्रोवाइडर लिखना है। कमांड को दे आप ध्यान से समझिए, फाइंड पैकेज प्रोवाइडर। आपका प्रोवाइडर नेम देना है, तो नेम आपके पास दो आए थे, पावर शेल गेट और चॉकलेटी। तो सबसे पहले हम चॉकलेटी को सर्च कर लेते हैं, चॉकलेटी, और आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है,
क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इस पैकेज प्रोवाइडर के पास कौन कौन से पैकेज प्रोवाइडर हैं, तो सिंपली मेरे को जानना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा चॉकलेटी लिख के, यानी इस पैकेज प्रोवाइडर के सारे पैकेज की लिस्ट जो है मेरे सामने आ जाएगी। तो आपको सिंपली इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, एंटर कर देना है, तब आपके पास यहाँ पे सारे पैकेजेस की लिस्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। इसकी लिस्ट जो है फ्रेंड्स बहुत बड़ी है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, और इतना याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन इनेबल होना चाहिए, तब जाके ये कमांड जो है वर्क करेगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए हम दूसरी शेल पे शिफ्ट हो जाते हैं न्यू टैब में। तो न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और तब तक ये कमांड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपके सामने क्या होगा मैं बता देता हूँ। यहीं पे देखिए ये पैकेजेस की लिस्ट आ गई है, इनके पैकेज के नेम शो हो रहे हैं, वर्जन शो हो रहा है, पैकेज प्रोवाइडर का नेम शो हो रहा है, और इस साइड जो है डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है कि ये पैकेज करता क्या है। ऐसे ही आपके पास दूसरा पैकेज यानी पैकेज प्रोवाइडर था, तो उसका भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे फाइंड पैकेज स्पेस, आपको लिखना है प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर नेम क्या था, पावर शेल गेट, ठीक है, ये पैकेज प्रोवाइडर नेम है, मैंने एंटर कर दिया। ऐसे इस पैकेज प्रोवाइडर नेम के यानी जितने भी पैकेज होंगे, अब उसकी सभी की सभी लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस पैकेज प्रोवाइडर की सभी पैकेज की लिस्ट जो है हमारे सामने शो हो रही है, ठीक है। अब बात ये है फ्रेंड्स कि इन पैकेज को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाली कमांड तो अभी एग्जीक्यूट हो रही है, और ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे पैकेज के नेम जो है आपको शो हो जाएंगे। इसके अंदर आपको लगभग सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इन दोनों प्रोवाइडर्स के पास देखने को मिल जाते हैं, बस आपको चेक करना है और उनको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉर ब्राउज़र दिख रहा है, इसका वर्जन नेम क्या है, पैकेज प्रोवाइडर नेम क्या है, ये शो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि ये करता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे ही इस पैकेज प्रोवाइडर के आपको जो है सारे के सारे पैकेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप आई थिंक जान गए होंगे कि किसी पैकेज प्रोवाइडर के अगर आपको पैकेज को यानी लिस्ट देखनी है तो आप कैसे देखेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कि मेरे को इस पैकेज की लिस्ट में कोई सॉफ्टवेयर सर्च करना है या कोई पैकेज सर्च करना है, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा। तब यहाँ पे हमारे पास वो भी ऑप्शन है, तो इसके लिए कमांड है फाइंड पैकेज। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सेम कमांड लिखनी है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के बाद अब आपको ना यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, प्रोवाइडर नेम डालना है। जैसे कि ये वाला पावर शेल गेट था और ये वाला चॉकलेटी था। अब इन दोनों के अंदर में हमें कुछ ना कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ चॉकोलेटी, ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, LATEY, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर सर्च करना है, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे VLC सर्च करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे VLC सर्च करना है। तो यानी इसके इस पैकेज के अंदर जोन जोन से यानी जो स्ट्रिंग VLC के साथ मैच करेगी वो यहाँ पे जो है शो हो जाएगी। तो इसके लिए पहले मेरे को यहाँ पे इसका नेम देना होगा, क्योंकि नेम डालने के बाद ही मैं VLC लिखूँगा, तब जाके ये मेरे को सर्च करेगा, और स्टार लगा दूँगा तो मतलब ऑल। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ये कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंटरनेट द्वारा जो है एग्जीक्यूट होती है कमांड्स। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है, वार्निंग नूगट द रिक्वेस्ट वाज अबाउट कुड बी क्रिएट, ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार को हटा देते हैं, डायरेक्टली VLC को सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पैकेज अगर इसके अंदर शो होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शो हो गया, चॉकोलेटी के अंदर VLC प्लेयर है, ठीक है, शो हो गया। आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब ऐसे एग्जांपल के लिए अब मैं यहाँ पे पैकेज प्रोवाइडर नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पावर शेल गेट। मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स इन कमांड से रिलेटेड लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की दिक्कत जो है आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद रहे। आप सभी बस क्या करना है, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद
आपको जो है प्रैक्टिस करनी है और सारे के सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर नेम दे दिया। प्रोवाइडर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम, आप क्या सर्च करना चाहते हैं। मैं इस पैकेज प्रोवाइडर के अंदर सर्च करना चाहता हूँ जैसे मैं ऑफिस, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे ये मेरे को शो कर देगा, चाहे जिसके नाम के स्ट्रिंग से मैच होते हुए एमएस ऑफिस या ऑफिस ऑफिस 365 इस रिलेटेड जो भी होगा, चाहे फ्री एमएस ऑफिस जो भी होगा, सारे पैकेज जो है देखिए शो कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ऑफिस के नाम से ही सर्च करेगा। यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, इसने मेरे को सारे पैकेजेस की लिस्ट जो है इन्होंने शो कर दिया। वैसे मैं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पैकेज क्या करता है क्या नहीं है, कौन कौन से पैकेज है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके चॉकलेटी के थे, यहाँ पे पावर शेल के थे, ठीक है, पावर शेल गेट के, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाती। तो ऐसे में आप डायरेक्टली पैकेज को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स हमने पैकेज को देख लिया कि क्या है कैसे है, हमने सर्च भी कर लिया, अब हमें इंस्टॉल भी करना है, तो हम कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर। अब देखते हैं कि किसी पैकेज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इंस्टॉल के लिए भी बिल्कुल सिंपल सी कमांड है, आपको लिखना है इंस्टॉल, हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैकेज। तो अब आपको उसके प्रोवाइडर का नेम भी देना होगा, तो पैकेज प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर नेम देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर शेल गेट, ठीक है, मैंने पावर शेल गेट किया। अब इसके बाद मेरे को जो है उसका नेम देना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। अब एक पैकेज है जिसका नाम है जनरेट रेंडम यूज़र, उसको जो है मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GENERATE जनरेट रैंडम यूज़र, मैंने इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कमांड को डाल दी। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये जो है मेरे से पूछेगा कि क्या इस पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नेम है जनरेट रैंडम यूज़र। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इस कमांड ने इंस्टॉल पैकेज प्रोवाइडर प्रोवाइडर नेम, इसने इसको बताया कि इस पैकेज प्रोवाइडर के पास क्या ये पैकेज है, अगर है तो उसको इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन पूछ रहा है वाई फॉर येस, अगर मैं यहाँ पे वाई टाइप करूँगा तो येस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करूँगा तो येस टू ऑल हो जाएगा, एन करूँगा तो नो हो जाएगा, और एल करूँगा तो नो टू ऑल हो जाएगा, एस करने पर सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए, क्योंकि मैं कर देता हूँ येस टू ऑल और कर देता हूँ एंटर। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, ये पैकेज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। हमने इस पैकेज को यानी इंस्टॉल कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पैकेज जो है इंस्टॉल हमारे सिस्टम पर हो गया है। आप खुद देख सकते हैं इसका वर्ज़न कौन सा है, सोर्स क्या है, और इसकी समरी जो है यानी डिस्क्रिप्शन जो है क्या है, क्या करता है सॉफ्टवेयर, ये जो है इसने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पैकेज हमने इंस्टॉल कर दिया। अब पैकेज अब बाय चांस मान लीजिए कि हमें अनइंस्टॉल करना पड़े तो कैसे करेंगे, तो इसी कमांड को दोबारा से आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कैसे, बस इंस्टॉल की जगह आपको अनइंस्टॉल कर देना है और यहां से आपको कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। इस कमांड को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो है ये जो सॉफ्टवेयर है यानी ये जो पैकेज है ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी इसको बोल रहा है अनइंस्टॉल करने के लिए इस पैकेज को, इसको यहाँ मिल गया और इसने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब मान के चलिए कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है डेस्कटॉप पे ऐप नाम का, इसके अंदर एक exe फाइल है फेडोरा मीडिया राइट राइटर विन 32 लेटेस्ट exe, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाए पावर शेल की हेल्प से, यानी इसको मैं रन कराना चाहता हूँ, तो कैसे कराऊँगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका पाथ कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको अपने पावर शेल में आना है और यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है स्टार्ट प्रोसेस process प्रोसेस के बाद आपको जो है इसका पाथ यहाँ पे देना है। तो इसका हम पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो है अब हमें इस फाइल का नेम देना होगा, ठीक है। तो इस फाइल का नेम है ये, तो चलिए इसके नेम को कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ से हमें इसका नेम मिल जाता है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद
आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए आ गया है। अब ये डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से चाहूँ तो इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए कमेंट कीजिए। हो सके तो फ्रेंड्स जब आप कमेंट करेंगे तो उन सभी टॉपिक्स को मैं किसी दूसरी वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।